लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभु कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी पटना में हूँ और पटना के करबिगिया साइड में हूँ और यहाँ से स्टेशन मात्र 500 मीटर की दूरी पे है और स्टेशन के पीछे का जो हालात है आप देख रहे हैं, मेरे पीछे लोग गाड़ियों का जाम लगा हुआ और ये नदी नहीं है न नाला है, मात्र आधे घंटे की बारिश से ये हालात हो गई है और ये करबिगिया स्टेशन से लेकर के उस मंदिर से लेकर के दुर्गा मंदिर तक का यही हालात है। यह फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के पीछे का जो हालात है, रास्ता है वो रास्ता नहीं है बल्कि नाला हो गया है, छोटी नदी का रूप ले लिया है। हालांकि नीतीश बाबू के सुशासन बाबू की सरकार गांव-गांव तक रोड का मुहैया है, सभी से रोड शिक्षा की व्यवस्था सही ठीक ठाक है, लेकिन राजधानी में उनके आवास से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर राजधानी में अगर यह हालात हो, पब्लिक को इन मुश्किलों से सामना करना पड़े, इन कठिनाइयों से सामना करके मात्र आधे घंटे की बारिश में लोग परेशान हो जाए, आवाजाही अस्त व्यस्त हो जाए और लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाए और एक रास्ता जो है आम रास्ता नदी का रूप ले ले, ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे पटना राजधानी के लिए। अब मैं आपको पटना वासियों से बात करके पटना वासियों की इस हालात पर एक चर्चा करते हैं। पटना वासी इस हालात पर किनको दोष दे रहे हैं, सुनिए उन पटना वासियों को। रेलवे स्टेशन जंक्शन से और दुर्गा मंदिर चिड़ियाटाल तक यही स्थिति सब दिन है, जब से बारिश होता है यही स्थिति है करबिगहिया में जी। गलती किसका है? गलती इंजीनियर लोग का है, नाला ऊपर बना देता है, रोड से ऊपर बना देता है। नाला नीचे बना देता है ना? नहीं, नाला ऊपर बनाता है, रोड के ऊपर बना देता है, जबकि नीचे बनाना चाहिए। गलती है इंजीनियर लोग का। कार्रवाई करेगा गवर्नमेंट में, वो करेगा। हाँ, कार्रवाई होना चाहिए। सरकार दोषी है और कौन दोषी है? सरकार को इंजीनियर को देता है बनाने। इंजीनियर तो बनाता है तो सारा पैसा तो लूट लाट के इधर उधर में जाता है, हर जगह पॉकेट में जाता है, आप भी जान रहे हैं कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। यहाँ का ये स्थिति है, देखिए क्या स्थिति है। बच्चा बूढ़ा ही जाएगा ऐसा में क्या होगा, गिरबे न करेगा, गोड़ हाथ फूटेगा, मुँह कान फूटेगा। आधा घंटा एक घंटा पानी बरसती है तो पानी जाम हो जाता है, तो कॉर्पोरेशन वाला आके निकाल देता है, लेकिन पानी निकालने से नहीं होगा, पानी जाम होना चाहिए। कॉर्पोरेशन को देखना चाहिए किस समस्या के वजह से पानी जाम होती है। और ये कब से ऐसा हो रहा है? जब जब बरसात होती तब तब जाम होता है, जब से भी रोड बना है से। पटना देख रहे हैं कि पानी पानी हो गई है, यही नगर निगम और पटना नगर निगम की हालत है। नगर निगम के हाल से बहुत हाल है इसका। कितने देर बारिश हुई है? ये मात्र एक घंटा बारिश हुई है। एक घंटे की बारिश हुई हाल होगा जी जी। क्या बोले, संदेश दीजिए। अब क्या बोल सकते हैं, आखिर का मैनेजमेंट देखा जाए, लेट हो रहा है, अभी तो ऑफिस से निकला हूँ तो निकल रहा हूँ जल्दी। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किलों का सामना। बारिश हुई है यहाँ, आधे घंटे से एक घंटे बारिश हुई। हाँ, पूरा पटना डूब गया, पूरा पटना डूब गया, पूरा पटना डूब गया। जब से यहाँ रोड बना है जब से पानी जमा हुआ है, नाला का कोई निकासी है नहीं यहाँ पे। हाँ, नाला है ही नहीं? नाला है मगर निकासी पानी का नहीं है, ढंग से जाम रहता है। आप लोग इसके लिए कंप्लेन नहीं किया? आप लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत। कंप्लेन करेंगे किसके पास करें, करने पर कोई कुछ है नहीं, पानी भर रहता है, बस उधर से आएंगे मोटर लगाएंगे पानी निकासी कर देते हैं, उसके बाद हो गया, पानी बंद हो गया, कहानी खत्म, उसका कोई अथि नहीं है। पुराने इलाज नहीं है? नहीं, कोई इलाज नहीं है, आज 10-12 वर्ष से ऐसा है, कोई अथि नहीं है। दिक्कत तो होती है तो सरकार इसमें हम क्या बोल सकते हैं? वोट तो देते हैं? वोट नहीं है, बोलते हैं तो सरकार तो सुनती है थोड़ा सा, बकवास भूल जाती है। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।